पांच सूत्रीय मांगों को लेकर बिलासपुर जिला के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन छठे दिन में पहुंच गया है। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर चिकित्सक 18 जनवरी से काले रिबन लगाकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिकित्सकों की मुख्य मांगों में अस्पतालों में नियुक्त नए चिकित्सकों को एनपीए का लाभ देना, एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कार्यभार पुनः की भांति स्वास्थ्य निदेशक को सौंपना, मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधीक्षक की शक्तियों को संशोधन कर लौटाना, 1.5 वर्षों से खंड चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर के पदों में पदोन्नति नहीं हुई है। इस संदर्भ में उन्हें केंद्र सरकार की तर्ज पर डायनेमिक करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत लाभ प्रदान करना, दूरगामी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों को केंद्र सरकार व बिहार जैसे अन्य राज्यों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है, उनका वेतन बढ़ाना जैसी मांगें शामिल हैं। वहीं हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काले रिबन लगाकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को आज 6 दिन हो गए हैं और जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका ये शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आज हम अपना जो शांतिपूर्ण विरोध है तो इसका आज 6ठा दिन है और जिला बिलासपुर के भी सभी जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लैक बैजेस लगाकर अपना ओपीडीज में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जो सारा काम है सुचारू रूप से, रूटीन वाला काम सारा सुचारू रूप से चला हुआ है। तो इसमें यही है कि अभी तक तो सिर्फ जो ब्लैक बेजिस वाला है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी जो प्रदेश इकाई है उनकी 18 जनवरी को मुलाकात हुई है तो उसमें उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि फरवरी के पहले हफ्ते के आसपास या उसके बाद जब भी उनके पास समय होगा तो हमें उन्होंने मिलने का समय देने का आश्वासन दिया है और हमारी मांगों पर कोई भी जो भी फैसला होगा सहानुभूतिपूर्वक फैसला लेने का हमें पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त किया हुआ है।